भारत पाकिस्तान के बीच अशक्त क्रिकेट टीमों का 2020 का दूसरा मैच भिवानी के भीम स्टेडियम में खेला जा गया। इससे पहले भारत ने खेलते हुए शानदार जीत हासिल की। पाक टीम के सामने भारतीय टीम ने 135 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम के खिलाड़ी गुरदास द्वारा बेहतर कैच लेने पर उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। भारत पाक अशक्त 2020 क्रिकेट चैंपियनशिप, दूसरे दिन मैच पर भारत का कब्जा। तीन मैचों की सीरीज में दो पर भारत का कब्जा। भारतीय टीम के गुरुदास रहे मैन ऑफ द मैच। तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुकाबले को देखने के लिए भिवानी वासियों में काफी उत्साह दिखा। भारतीय टीम के कप्तान रवि पाटिल ने कहा कि हम पाक टीम से फरीदाबाद में एक मैच हारे थे जिसकी कसक दिल में थी, और आज भारत की जमीन पर हुए इस मैच में जीत हासिल होने पर हमें बेहद खुशी है। पूरे टीम को मैं ये श्रेय दूंगा, आज पूरा टीम एफर्ट के साथ खेली। हमने 140 का टारगेट रखा था, वो टारगेट में हम सफल रहे और पिच थोड़ी धीमी थी और पूरे एफर्ट के साथ खेले, इसलिए आज अपनी जीत होगी। पाकिस्तान को भारतीय टीम से 135 रन का लक्ष्य मिला था। पाक कप्तान ने हार की वजह बल्लेबाजों के प्रदर्शन को बताया है और इंडियन टीम की मजबूत बॉलिंग और फील्डिंग को भी हार की वजह माना।